नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से। अब तक अपने सीट एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल के कुछ क्वेश्चंस करंट के आए हुए बता दिए मैंने, और कुछ सीएट लेवल एग्ज़ाम 12वीं लेवल के करंट के आए हुए से बता दिए। और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हाई कोर्ट के, और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आपके उसमें सीएट लेवल 12वीं के, उसको बताएंगे। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने हाई कोर्ट जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें आए हुए क्वेश्चन क्या थे वो बात करते हैं। तो मार्च में पेपर हुआ था दो पारियों में, तो एक क्वेश्चन आया था आपके सामने, देखा होगा आपने कोई पारी में, मुगल गार्डन का संबंध किससे है। तो मुगल गार्डन का नाम जो चेंज कर दिया गया था, तो आपका आंसर था वहाँ अमृत उद्यान। क्या नाम है? ये मुगल गार्डन था कहाँ? आपके राष्ट्रपति भवन में। क्वेश्चन आया था मुगल गार्डन का संबंध किससे है, तो अमृत उद्यान से, तो उनका नाम चेंज कर दिया गया अमृत उद्यान। और काफ़ी विवाद भी होता, आप देखा होगा आप लोगों ने। और वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? पता है जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़, या उपसभापति उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। दोबारा सुनो, मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया अमृत उद्यान, ये क्वेश्चन आया था। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश जी धनखड़ साहब। और एक क्वेश्चन अगला देखो कौन सा आया था, वर्तमान में भारत के जो केग सीजी केग है वो कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और फिर एक क्वेश्चन आया था, निमीबिया से लाए गए चित्तो जो टाइगर थे उनको कहाँ रखा गया था? कुन्नो राष्ट्रीय पार्क। आपको ध्यान होगा ये काफ़ी विवादित रहा था मैटर, तो चित्ते लाए गए थे 8, वो कुन्नो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में उनको रखा गया था। और अगला क्वेश्चन क्या था, साहित्यकार गीतांजलि श्री को बुकर सम्मान पुरस्कार किसके लिए मिला? रे समाधि। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रे समाधि किसकी थी रचना? तो गीतांजलि श्री। और अब की बार ये आ गया, साहित्यकार गीतांजलि को बुकर सम्मान मिला किसके लिए मिला? रे समाधि के लिए मिला। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी वाले कंसेप्ट ध्यान से पढ़ के जाना, हर पेपर में आते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर, पिछले जो सीईटी एग्जाम के अंदर ग्रामीण खेल की शुरुआत पूछी थी, ये पूछा था। अब यहाँ पूछा शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या था शेरू, और सारा पूछा हुआ कौन कौन से खेल शामिल थे पुराने एग्जामों में, रिट के एग्जामों में, उसकी भी चर्चा करेंगे बाद में। अभी चर्चा कर रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी में आए हुए क्वेश्चंस। तो अग्निपथ स्कीम क्या है, सब लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस योजना ये अग्निपथ, सेना में भर्ती को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा, जो अधिकतर चर्चा में रहता है उन्हीं का क्वेश्चन करंट बनता है, ये भी आप ध्यान रखा करो। राजस्थान के किस स्थान से 5G जो जियो वाला था, 5G टेक्निक की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से 5G जियो की सेवा की शुरुआत हुई थी? नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। और सीईटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था विश्वास स्वरूप मूर्ति के बारे में आया था, भगवान शिव की, और वो भी कहा है नाथ द्वारा में। तो दो अलग अलग क्वेश्चन भी आ गए, तो इस बार यहाँ पूछ लिया जियो की 5G सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नाथ द्वारा से। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया था? ये उसका आंसर था राजस्थान, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? इसका मतलब ये पूछा है, तो अभी वर्तमान में अपने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी थी? तो ये रह चुकी थी झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की। और ये क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? हेग। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है। और हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध कुछ उसने पूछा था, तो मानगढ़ धाम काफ़ी फेमस जगह है, तो ये कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में, ठीक है। और दस्तावेजों को डिजिटल फॉरम में रखने के लिए भारत सरकार का कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? उसका नाम था डीजी लॉकर। क्या नाम था? डीजी लॉकर। क्लियर है। फिर अंडर 19 महिला जो 2020 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? उसका नाम था शेफाली वर्मा। और फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आपने देखा काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी इसने, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की टीमें कौन कौन थी पूछा था, अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस के मध्य हुआ था, ये भी आपको अच्छी तरह पता है, अर्जेंटीना विश्व कप विजेता रही थी।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये अहमदाबाद गुजरात, ये आंसर दिया था। लेकिन उसका नाम पूछ रहे तो पहला नाम था मोटेरा स्टेडियम, वर्तमान में नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी, या उसका नाम है मोटेरा। लेकिन यहाँ पूछा था विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। और पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार किसने किया था, तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मना कर दिया था पद्म भूषण पुरस्कार लेने, क्यों, क्योंकि उनको लेट सूचना मिली थी। और जो नाटो जो संगठन है उसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टॉल्टनबर्ग, ये कहाँ के है, नॉर्वे के। तो अपने गणतंत्र दिवस हुआ था 2023 का, पता होगा हर बार 26 जनवरी को कोई ना कोई मेहमान अपने पास आता है, बुलाते हैं हम लोग, तो उसका नाम क्या पूछा इसने, तो अब्दुल फतेह अल सीसी, ये कौन है भाई साहब, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा, तो आपका आंसर था परमवीर चक्र विजेता के नाम पर। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 सबसे बड़े द्वीप है उनका नामांकन किया जाएगा, तो उसका आंसर था परमवीर चक्र विजेता। मैंने कुछ लिखा है ये मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह के नाम पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, जनकड़ा मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह ये दो राजस्थान के व्यक्ति है, उस 21 परमवीर चक्र विजेता में इन दो के नाम पर भी टापू स्थापित है, ठीक है। और कौन सी रिपोर्ट गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गई थी, ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाली रिपोर्ट है, काफ़ी इसकी बहस हुई थी, इसके बारे में आपको जानकारी है, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, तो चर्चा में रहते हैं, उनके क्वेश्चन एग्जाम में प्राय आते हैं जनकड़ा। तो ये था कौन सी रिपोर्ट गौतम अडानी को टॉप 10 की सूची से बाहर निकाल दिया था, उसका नाम था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये अमेरिका जारी करती है, ध्यान रखना। और भारतीय वायुसेना के दो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तारीख है 28 जनवरी 2023, तो पूछा कहाँ हुए थे दुर्घटनाग्रस्त, तो ये भरतपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुए। दोबारा सुन लो, भारतीय वायुसेना के दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, ये 28/1/2023 तारीख तक लिखी हुई थी, पूछा जगह पूछी थी तो भरतपुर में, तो पूछा दो विमान कौन से है, तो ध्यान रखना एक का नाम था सुखोई, एक का नाम था मिराज। और वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, ऐसे 2022 में चार जनों को पद्म विभूषण मिला था, लेकिन इनमें से एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम था जनरल विपिन रावत, जैसे कल्याण सिंह, प्रभा आप्टे, ऐसे कुछ चार नाम थे। तो पूछा था वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, चार में से क्या ऑप्शन था, जनरल विपिन रावत। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसका नाम था चार्ल्स तृतीय। क्लियर है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा भाई, जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पूछा था जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन, पता होगा इमरान खान थे, उसके बाद काफ़ी उथल पुथल हुई थी, तो इन्होंने डेट डाल दी कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान के पीएम कौन थे, तो शहबाज शरीफ, कौन थे, शहबाज शरीफ। तो अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा गांव किसे घोषित किया गया है, वो मोटेरा गुजरात को, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा गांव किसे घोषित किया गया है, मोटेरा गुजरात को। और अगला क्वेश्चन पूछा आपके, ये सारे क्वेश्चन तो बता रहा हूँ हाईकोर्ट LDC जो मार्च में एग्जाम हुए थे दो शिफ्टों में, 12 मार्च को और 19 मार्च को, उनके क्वेश्चन बता रहा हूँ करंट में कैसे क्वेश्चन रहे थे और उनका जवाब क्या था, ठीक है। ये आगे आने वाले भर्तियों में काम है, कई क्वेश्चन सीधे रिवाइज होते हैं। तो ये अब अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव शंकर शर्मा जिनका हाल ही यानी मई 2022 में निधन हो गया था, वो किस वाद यंत्र से संबंधित थे, तो संतूर वाद यंत्र, क्या नाम है, संतूर वाद यंत्र, वो भी कैसा, कश्मीरी संतूर, क्यों, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा मूल निवासी कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के थे, वो कश्मीरी संतूर वाद यंत्र बजाते थे। तो पूछा कौन सा वाद यंत्र, तो वहाँ संतूर आंसर राइट था, क्या आंसर था, संतूर, ठीक है।
और आपको पता है फेमस फिल्म है आर आर के गीत नाटो नाटो को कौन सा फेमस पुरस्कार मिला, तो उस पुरस्कार का नाम है गोल्डन ग्लोब। ध्यान रखना, पता है फिल्म जानते हो आर आर का गीत नाटो नाटो कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, उसका नाम था गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला। ठीक है, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन, ये जम्बूरी के आयोजन वाले 3 से 4 बार अभी सीएट ग्रेजुएट ने बता दिया मैंने, फिर सीएट बारहवीं ने बता दिया मैंने, और हाई कोर्ट में भी आ गया था, जनवरी में भी आया था, फरवरी में आया था, मार्च में भी आया था। देखो शामिल हो रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी उसको पूरा ढंग से पढ़ के जाना। तो जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था, अब वहाँ सिर्फ गांव का नाम दिया था रोहट, तो मैंने लिख दिया रोहट कहाँ पड़ता है पाली में। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना खोला गया है, तो ये खोला गया है कर्नाटक में, और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ स्टाफ CDS मतलब कौन है, पहले चीफ ऑफ स्टाफ पता है कौन थे आपके, जनरल बिपिन रावत थे, उसके बाद उनकी डेथ के बाद कोई ना कोई बनेगा, तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ स्टाफ CDS कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बात समझ आ गई, अब तक जो क्वेश्चन किए थे ये अपने क्वेश्चन किए थे हाई कोर्ट LDC में आए हुए क्वेश्चन, और कुछ आपके CET एग्जाम 12वीं लेवल के CET एग्जाम 12वीं लेवल क्वेश्चन रह गए थे मेरे से, उसमें ये दोबारा बता देता हूँ आपको मैं कौन कौन क्वेश्चन रह गए थे मेरे से, उसकी चर्चा आप थोड़ी सी कर लें दोबारा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रह गए थे अपने CET लेवल 12वीं में, जो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था फरवरी में, उसके क्वेश्चन उनकी मैंने वीडियो डाल दी है, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ ऐड कर लेना। तो क्वेश्चन पूछा था राज्य के छठे वित्त आयोग, ये छठा वित्त आयोग CET ग्रेजुएट लेवल में भी आ चुका है ध्यान रखना, और वापस CET 12वीं लेवल में भी आया था, कौन थे, प्रद्युम्न सिंह, और बताया भी था दो सदस्य है अशोक लाहौड़ी और लक्ष्मण सिंह। इसके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, ध्यान रखना जितने भी आयोग है उनकी फर्स्ट और वर्तमान कौन है वो याद रखना, तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है, कांता भटनागर, और ये पूछ लिया प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KK गोयल, और जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, 4400 नंबर के, लेकिन बाद में 2-3 महीने काम करने के बाद उनको वापस वहाँ से हटा दिया गया था और कहीं शिफ्ट कर दिया गया था प्रमुख न्यायाधीशों के अंदर, तो अभी वक्त खाली है। तो जस्टिस पंकज मित्तल को पूछा, जस्टिस पंकज मित्तल जो पेपर हुआ उस समय उनकी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें पूछा कौन से कर्म के थे, तो 40वें कर्म के राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, और अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था वो कौन से क्रम का था, तो ये पूछा था वो 36वें क्रम का था, और हेमांग जायसवाल का खेल का नाम पूछा था, वो जूडो के खिलाड़ी है, कौन, हेमांग जायसवाल, कौन है, जूडो के खिलाड़ी है, तो ये सीधा आंसर था। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह योजना की सहायता राशि कितनी है, 5 लाख रुपए, और एक क्वेश्चन पूछा आपके रिको द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क है, नाम नहीं पूछे संख्या पूछी थी 4, तो ये CET 12वीं लेवल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उस क्वेश्चनों की मैंने चर्चा कर ली है। तो मैंने आज आपको मैंने क्या पढ़ाया, अभी हमने चर्चा की थी हाईकोर्ट LDC जो मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी, उससे पहले हमने 2 चर्चा और कर ली है CET ग्रेजुएट लेवल की और CET 12वीं लेवल की, और आप चैनल का सहयोग करते रहे, धन्यवाद आपका।